Good morning, students. So earlier, it means in previous class, we discussed about introduction of this chapter number 7. So our first topic of this chapter number 7, our government topic is what is government. Government क्या है? Government का हिंदी में means होता है सरकार, शासन, जो पूरी कंट्री के ऊपर रूल करते हैं, पूरी कंट्री को चलाते हैं, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी कंट्री पर चलते हैं. एंड उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन बनाती हैं? हमारी गवर्नमेंट. सो व्हाट इज़ गवर्नमेंट? सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी लर्न दैट लॉज आर रूल्स ऑफ अ कंट्री. लॉ क्या होते हैं? हमारी कंट्री के लिए जो रूल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है लॉ. सो दोज आर रूल्स ऑफ अ कंट्री एंड दीज आर मेड बाय अ गवर्नमेंट. लॉ क्या होते हैं? कंट्री के एक रूल्स होते हैं जो कौन बनाता है? हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार. ओके, नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट? नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है? सो अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक लॉ एंड मैनेज अ कंट्री इज नोन एज गवर्नमेंट. अ ग्रुप ऑफ पीपल who work for a country and make rules for a country and manage a country. लोगों का एक ग्रुप जो हमारी कंट्री के लिए रूल्स बनाता है और हमारी कंट्री के सभी वर्क को मैनेज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लॉज, अ गवर्नमेंट शुड बी दैट द लॉज आर फॉलोड बाय एवरीबॉडी. लॉ बनाने के अलावा, लॉ तो हमारी गवर्नमेंट, लॉ मीन्स कानून तो हमारी गवर्नमेंट बनाती ही है, लेकिन इन लॉज को बनाने के अलावा भी गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है? दैट गवर्नमेंट शुड बी सी, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो भी रूल्स, जो भी लॉज उसने बनाए हैं वो फेयर है कि नहीं है, वो सभी के लिए है या नहीं है, और वो सभी उनको एवरीबॉडी मस्ट फॉलो, सभी को फॉलो करना चाहिए. तो सभी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Now it ensure that rules are fair and just to everybody. हमारी government ensure करती है, it means निश्चित करती है कि जो भी rules बनाए हैं वो सभी के लिए fair हैं कि नहीं है, it means सभी के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, and सभी उनको follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो किसी एक के लिए तो नहीं बनाए गए. कोई भी rule government किसी एक के लिए नहीं बनाती है, वो सभी के लिए बनाती है. So it ensure that rules is for everybody or not. उन सभी रूल्स को सभी लोग जो कंट्री में रहते हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, अ गवर्नमेंट आल्सो हैज़ टू एंजॉय दैट. गवर्नमेंट इसके अलावा भी और क्या एंजॉय करती है, क्या सुनिश्चित करती है? पीपल गेट देयर बेसिक नीड्स, नेमली कि लोगों को उनकी बेसिक नीड मिल रही है या नहीं मिल रही है. बेसिक नीड्स मीन्स जो डेली की जो उनकी नीड्स है, ज़रूरतें हैं जो लाइफ जीने के लिए उनको चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, फूड खाना हम सभी को चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए. यह भी गवर्नमेंट श्योर करती है कि फूड सभी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. क्लोथ्स, कपड़े पहनने के लिए सभी को कपड़े चाहिए होते हैं, वो भी ये ध्यान रखती है कि ये जो बेसिक नीड्स हैं वो सभी की कम्प्लीट हो रही है या नहीं हो रही है. शेल्टर मीन्स होम, रहने के लिए घर, वो भी सभी को चाहिए. हमें भी घर चाहिए रहने के लिए. इट मीन्स कंट्री में जितने भी पीपल हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन सभी की इन बेसिक नीड्स को, फूड, शेल्टर, क्लोथ, सभी नीड्स को कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है और श्योर करती हैं कि ये सभी नीड्स उनकी कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है. सो गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डू ऑल वर्क. तो गवर्नमेंट को इन सभी वर्क को करना रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है, तभी हमारे सभी सिटीजन्स जितने भी रूल्स हमारी गवर्नमेंट बनाती है उन सभी को फॉलो कर पाते हैं. गवर्नमेंट को ध्यान रखना होता है, गवर्नमेंट को टाइम टाइम पर चेक करना होता है कि जितनी भी लोगों की बेसिक नीड्स हैं वो टाइम पर पूरी हो, और सभी जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में जो रह रहे हैं वो हैप्पीली रह सके, खुशी खुशी कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी सके. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट इज़ गवर्नमेंट. आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट क्या है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट. ओके.
थैंक यू।